देखिए, हम सोशल मीडिया पे ये सोच के नहीं आए हैं हाँ कि उस पे आएंगे तो लाखों पैसा होगा। हाँ दादी, उ लड़की सब कत चल गए जे हमारा बच्चा में गाल तिर के कही छे बउआ हमरा से ब्याह कर भी। तो गाइस, आज के वीडियो में देख सकते हो अपने साथ कौन बैठा है। मैं इनके बारे जितना बोलूंगा ना उतना ही कम है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाला लड़का है, वो भी यहाँ वहाँ का नहीं, अपने मिथिलांचल बिहार से। तो कहीं ना कहीं मेरे को प्राउड फील होता है कि मिथिलांचल में ऐसे ऐसे लड़का सोशल मीडिया पे अपना एक टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ता है। तो आज इनके बारे बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहले वैसा कैसे कालबा कैसन चाहे हो, आप सब लोग बढ़िया होंगे। इनको तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही हो, साथ में मुझे कर लो, विष्णु बिहारी है। तो सबसे पहले आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जी थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद आपको। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आने का क्या मुद्दा था आपका? देखिए, हम सोशल मीडिया पे ये सोच के नहीं आए हैं हाँ कि उस पे आएंगे तो लाखों पैसा होगा। इसको पहले माइंड से हटा देना है। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत रीजन है आने का। हाँ, वैसे लोग इंटरटेन होते हैं हाँ, वीडियो से, मतलब वो सोचते हैं ये तो मेहनत कर रहा है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये नहीं, अगर वीडियो लेट आए वो चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ भी वीडियो मत डालिए। कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं कि छोटे मोटे गाँव से आगे जा रहा है, जीरो से फॉलोवर चालू होता है, जीरो से फिर 100,000, फिर लाखे से ना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे ही ना लाख से ना मिलियन में जाता है। हाँ, तो मिलियन में अगर कोई मिलियन में फॉलोवर्स है तो हाँ, उनको लगता है कि हम स्टार हैं। हाँ, बहुत बड़ा स्टार है। हाँ, ये होता भी है। हाँ, मिलियन में फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं हाँ, तो उनको लगता है हम स्टार हैं। हाँ, और ये भी है कि सोशल मीडिया पे आने का रीजन ये भी है कि लोग आते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। तो अच्छा, मैं आया हूँ आपके साथ, यही अच्छा लगता है। सही लगता है, ये अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे कब जुड़े और कैसे, मतलब कहाँ, मतलब कैसे छोटे छोटे वीडियो स्टार्ट किए थे, कब से? तो हम सोशल मीडिया पे टिकटॉक से ही हैं। वाह, तो 18 दिन में 77,000 फॉलोवर हो गया था। तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टार लोग मेरे वॉइस को यूज किए थे। और इंस्टाग्राम पे अभी तो छोड़िए, मतलब हो ही रहा है। तो कितने साल पहले हो गया, मतलब टिकटॉक? तो फिर बाद में टिकटॉक बैन हुआ, तो आप कहीं ये टेंशन नहीं हुआ कि अभी यार टिकटॉक बैन हो गया तो मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, कुछ ऐसे? टिकटॉक बैन होने के बाद हाँ, मतलब कुछ हुआ नहीं कि अगर टैलेंटेड है कोई, या आप हैं या मैं हूँ हाँ, या कोई भी है हाँ, तो अगर टैलेंटेड है तो टिकटॉक गया तो क्या हो, मतलब हाँ, आगे ट्राई करेंगे। यही है, टैलेंटेड लोग कहीं भी अपना अथी कर सकते हैं। तो जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ इंस्टाग्राम पे आकर मचा दिया। इंस्टाग्राम पे है तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आपके मम्मी पापा खुश है क्या इस चीज से? पहले खुश नहीं थे, पहले अभी भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब लोग आते हैं ना घर पे मिलने के लिए तो हाँ, लगता है भाई तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। हाँ, जो लोग एगो भाई थे वो इधर से कहीं से आए थे, वो हाँ, गिफ्ट लेके हाँ, चॉकलेट का गिफ्ट लेके हाँ, तो सब घर में सब खुश, तो मतलब कुछ तो कर रहा है जो, मतलब गिफ्ट लेके आया हाँ, चॉकलेट का हाँ, वो गिफ्ट भाई के तरफ से नहीं था, भाई के मम्मी के तरफ से आया हुआ था वो गिफ्ट। देखिए तो, कितना अच्छा लगता है गाइस, हम लोग हाँ गिफ्ट नहीं ले रहे थे घर हाँ, पे तो उनके मम्मी के तरफ से गिफ्ट आया था तो लेना पड़ा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका चाहने वाला आपको गिफ्ट नहीं देगा, ऐसे थोड़ी है, लेना ही पड़ेगा। तो हाँ, उनके मम्मी के तरफ से था इसलिए हाँ, लेना पड़ा हाँ, वैसे कोई भी आ सकते हैं घर पे मिलने के लिए, गिफ्ट विफ्ट मतलब ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, सही बात है, घर पे मिल गया ना। तो और गाँव वाला का क्या रिएक्शन है, गाँव वाला आपको क्या बोलते हैं? गांव में तो सब सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। शुरुआत में मोहल्ला, अपने मोहल्ला का हाँ, शुरुआत में अगर एक दो ने लोग रहते, एक दो हाँ, मतलब हाँ, तो वो अब जो है ना धीरे धीरे सब देख रहे हैं कि हाँ आगे जा रहा है, तो अब सब सपोर्ट रहे हैं, सब हाँ, यही है, सब सपोर्ट रहे। तो कहीं ना कहीं आप अपने दादी और छोटी बहन के साथ वीडियो बनाते तो उन लोग को कुछ ट्रेन करते हो कि ऐसे करो या नहीं करो, क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता है ना? तो ये छोटी बच्ची है तो वो उसको सिखाने में बहुत टाइम लगता है। एगो वीडियो में 45 बार शूट हुआ था, वो कट हुआ था 45 बार कट, फिर जाके 46 बार वीडियो बना तब जाके रिजल्ट आया, अच्छा वाला रिजल्ट आया। तो वही है गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि 30 सेकंड 1 मिनट का ही वीडियो बनाते तो यू बना के रख देते, ऐसे नहीं, मेहनत लगता है। तो ऐसा आपका कौन सा पहला वीडियो था जिससे लोग आपको जानना पहचानना शुरू कर दिया कि ये चंदू भाई है? तो हम इंस्टाग्राम पे जो फेमस हुए, अभी यूट्यूब पे भी जा रहा है एकदम, बाप रे 44 के सब्सक्राइबर हो चुका है। हम जो है हाँ, हम
इंस्टाग्राम से फेमस नहीं है, हाँ। फेमस है टिकटॉक से, हाँ। और अभी जो इंस्टाग्राम पे फेमस है अभी हो रहे हैं, हाँ। अगर सब लोग साथ हैं हो रहे हैं तो हम अभी फेसबुक स्टोरी से फेमस है। वाह, फेसबुक स्टोरी से, जैसे कोई डाउनलोड करके डाल देता है। नहीं नहीं, तो हम खुद डालते थे अपना। ओहो, फेसबुक, जैसे फेसबुक स्टोरी होता है ना, हाँ। तो उस पे हम डालते थे रेगुलर एक वीडियो, अपना वाला वीडियो फेसबुक स्टोरी पे, अपने स्टोरी पे, हाँ। तो ऐसे मैं एक मैथिली वीडियो बनाए थे, हाँ। वो वाला दादी वाला, हाँ। दादी उ लड़की सब कत चल गए जो हमारा बच्चा में गाल तिर के कहे छे बउआ हमरा से ब्याह कर भी, ये वाला वीडियो डाले थे। तो उसके बाद क्या हुआ, भाई बोला कि हमको वीडियो सेंड करो, सेंड मी ब्रो, हाँ। तो हम उसको सेंड कर दिए, हाँ। फिर उनसे और लोग मांगे कि सेंड मी, फिर उनसे और लोग मांगे सेंड मी, इतना सेंड हो गया कि पूरा वायरल हो गया। वो पहला वीडियो था, पहला वायरल दादी वाला मैथिली वीडियो, पहला वायरल वीडियो था मैथिली वीडियो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे वो ना एक चार बटन खोलने लगे हैं, हाँ। इंस्टाग्राम पे कुछ और वायरल हो गया, हाँ। यूट्यूब पे कुछ और वायरल हो गया, हाँ। बर्तन मांजने वाला, हाँ। तो वही मैं वही वीडियो देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हूँ मैं आपसे, हाँ। बर्तन हटिए ना, बर्तन, हाँ। धोना है, हाँ। वो थोड़ा बोलिए ना वो डायलॉग, हाँ। वही वाला, उन हवाओं से भी जल्दी सामना होगा मेरा जो मेरे खिलाफ चल रही है। तो आप एक छोटे से गाँव से होने के बाद भी आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या फील करते हो? नहीं, उन अगर वो लोग हैं तभी हम लोग हैं, अगर वो नहीं तो है, क्या कुछ नहीं है, कोई अथी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोग के लिए? तो सबसे मतलब लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर अ लॉट ऑफ गिविंग सपोर्ट एंड लव, टीम है, हाँ। वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हाँ। तो अभी तो फिलहाल में टीम उधर गया है, हाँ। वहाँ पे है और, हाँ। वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पे रील वीडियो बना रहा है, और एक वहाँ पे है सौरभ भाई, हाँ। आ जाइए भाई, सामने हो तो आ जाइए, एक बार मेरे चैनल पे आकर हाई बोल दीजिए। हाय। तो सौरभ भाई कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाँ। दे, टीम अगर है तो, हाँ। और आगे जाएंगे, हाँ। अगर अकेले हैं तो ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, सही बात। अकेले में आज तक कोई भी मतलब कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए हम लोग जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, पूरा ट्राई, हमेशा साथ में तो है ही। तो ये सौरभ है, बहुत सारे वीडियो में सब मिलते होंगे, और इनका टीम का भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से कि कैसे शूट करता है। तो आप ये चीज कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो और अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हो? मतलब पहली बात तो ये है, हाँ। कि हम मेहनत, जैसे जैसे मेहनत करेंगे ऐसे ऐसे लोगों को लगेगा कि ये मेहनत कर रहे, तो इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेहनत के अनुसार जो होता है उसके तहत आगे जाएंगे। आप तो इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा वायरल हो गए हैं, तो कहीं से कुछ ब्रांड या ऑफर आता होता है आप, हाँ, आपको? प्रमोशन वाला जो इंस्टाग्राम पे आता है, हाँ। तो वो रियल प्रमोशन भी आता है, हाँ। और फेक प्रमोशन भी आता है, हाँ। तो हम लोग पहचान जाते हैं कौन सा रियल है, हाँ। कौन सा फेक है, हाँ। तो हम लोग जो अभी है फिलहाल में अभी, हाँ। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं प्रमोशन, क्योंकि शुरुआत में अगर पैसा पे ध्यान देंगे तो वही जाएगा काम तमाम। तो लास्ट में क्या कहना चाहते हो? तो यही सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे तरह इनको भी, क्योंकि ये कहीं दूर से आए हैं, हाँ। आए हुए हैं झंझारपुर, हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं मेहनत है कि वहाँ से यहाँ आए हैं। और मैं एक महीना पहले ही आके गया, क्योंकि रोशन भाई मिला नहीं था, मैं पूरा झंझारपुर में धुना, सबको फोटो दिखा रहा हूँ, रोशन भाई उस टाइम जिस टाइम आप वायरल हुए थे उसी टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो विष्णु बिहारी इनका चैनल है, एक बार वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो यही कुछ है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली, लव यू ऑल। अगर आप लोगों को भी आना है ब्लॉग के लिए, हाँ, तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है सब, कोई दिक्कत ना आ सकते हैं।